जिला कारागार फतेहगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तत्वावधान में जेल में निरुद्ध सभी बंदियों के एचआईवी, टीवी, सिफिलिस एवं हेपेटाइटिस की विशेष जांच के लिए बंदियों को प्रोत्साहित कर जांच करवाने विशेषज्ञ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर अवनीश कुमार सीएमओ और सतीश चंद्र सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर आरसी माथुर डिप्टी सीएमओ एवं दीप्ति शुक्ला द्वारा किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट सिटी सीएमओ जेल अधीक्षक द्वारा एचआईवी, टीवी, सिफिलिस एवं हेपेटाइटिस इत्यादि बीमारियों के लक्षण, बीमारी के फैलने के कारण एवं बीमारी बचाव के उपायों को विस्तार से बंदियों को बताया गया। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद द्वारा बंदियों द्वारा दैनिक दिनचर्या में बरती जाने वाली व्यवहारिक गलतियों की और बंदियों को आगाह किया, जैसे एक की ब्लड के टुकड़े से ब्लेड के टुकड़े से अनेकों बंदियों द्वारा अपने नाखून काटना, चोरी छुपे एक ही ब्लेड का इस्तेमाल कर बाल बनाना। जेल अधीक्षक ने ऐसी गलतियों ना करने के लिए बंदियों को सचेत किया है। जेल में बंदियों की उक्त बीमारी संबंधित काउंसलिंग में सहयोग प्रदान करते हुए सही सही जानकारी देने के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया गया। सीमो द्वारा विशेषकर बताया गया कि गांव देहात में नाक और कर्ण छेदन की प्रक्रिया इस्तेमाल होने वाली सुई से एचआईवी जैसा भयंकर रोग फैलने की बात कही है। इस बार और महिला बंदियों द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि 100% महिलाएं नाक व कर्ण छेदन करवाती हैं। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा युवा बंदियों को संयम पूर्ण जीवन जीने की सलाह दी गई तथा अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जीने की बात बताई। गोष्ठी हो रही है, ये उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की तरफ से, इसकी तरफ से हो रही है। इसमें बहुत से वक्ताओं ने अच्छे अच्छे आपको बातें बताई, मेरे लिए कुछ बताई नहीं कहना को। जैसा कि मैडम ने बताया, एड्स एक एचआईवी होता है, वायरस होता है जो कि चार तरह से शरीर में प्रवेश करता है। पहला असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा संक्रमित सुई, संक्रमित खून और गर्भवती माँ अगर संक्रमित है तो उसके होने वाले बच्चे इसमें हो सकता है। ठीक है, तो कुछ बातें जो छूट गई थी, जैसे कि मैं सर से आग्रह करूँगा शिक्षक साहब से, इधर दाढ़ी वाड़ी कैसे बनाते हैं? हमारे अलग सारे कैदी बनाते हैं, सब अलग अलग बनती है, ब्लेड यूज होता है। बाजार में जैसे नाई होते हैं, जैसे राजा बताया, ब्लेड चेंज जरूर करवाना चाहिए नाई से, एक दूसरे का ब्लेड शेयर नहीं करना है। सुई का बताई दिया, संक्रमित सुई नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी होता गया, मैं खुद यूज करता था, सुई नहीं लाया तो उसको उबालता था, नई सुई 20 मिनट तक उबालने से सारे वायरस बैक्टीरिया में खत्म हो जाते हैं। अगर वो होगा भी गलती से तो वो मर जाएगा। और जो गाँव में जो होता है, देखा होगा अपना, कान ना गड़के वो छिदवा देते हैं, कान ना, है ना, उसको भी सुई होती है, वो बिल्कुल उबाल के करवाना चाहिए उसका। वो गांव में आता है ना, नाक छिदा लो, कान छिदा लो, वो शेयर कर देता है सुई को, उससे भी बीमारी होने की संभावना रहती है। जो जैसे कि मैम ने बताया, एचआईवी या एड्स ये नहीं फैलता है हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, कपड़े शेयर करने से, बिल्कुल नहीं फैलता, ये सब भ्रांतियाँ हैं। और अगर किसी को है, अगर जाँच होगी इसकी, उसमें अगर किसी को निकलता है तो उसकी बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा उस चीज़ को, और उसका एआरटी सेंटर का इलाज किया जाएगा। मेरा गुजारिश है सभी लोग अपनी जांच करवाएं, इससे कि हम उसको पकड़ सकें बीमारी को। धन्यवाद।